नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फुटी टिप्स में। आज हम पेपर डोसा बनाने जा रहे हैं। इसकी सामग्री हम आपको बता देते हैं। 3 कप चावल और 1 कप उड़द की दाल को भिगो के रख देंगे और उसे पीस के बिल्कुल बारीक हम ले लेंगे और उसे पीस के हम खमीर उठने के लिए रखेंगे। गर्मी के मौसम में 4-5 घंटे में खमीर आसानी से उड़ जाता है। सर्दी के मौसम में थोड़ा टाइम लगता है कि हमने खमीर उठा लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल घोल पकौड़े के घोल के जैसा है। तो हम तवा गरम करेंगे, अपना गरम करने के लिए रखेंगे और बिल्कुल ये चावल और उड़द की दाल का घोल बिल्कुल पकौड़े के जैसा होता है और हम डोसा बनाएंगे। तो सबसे पहले तवे पे 1 चम्मच तेल डालेंगे और टिश्यू पेपर से इसे हम साफ करेंगे जिससे हमारा डोसा आसानी से फैल जाएगा और नीचे से चिपकेगा भी नहीं। अब इस पे हम 1 चम्मच अपना चावल और दाल का घोल जो हमने बना के रखा था उसे डालेंगे और उसे बिल्कुल पतला फैलाएंगे, क्योंकि हम पेपर डोसा बना रहे हैं इसलिए हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल पतला सा इसे फैला सकें ताकि हमारा क्रिस्पी डोसा तैयार हो। तो उसे गोल गोल घुमाते हुए बिल्कुल पतला फैलाएंगे, जितना पतला फैला सकते हैं उतना पतला फैलाएंगे। इसीलिए हम 1 चम्मच बेटर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा डोसा पतला और क्रिस्प बने। तो हम 2 मिनट वेट करेंगे। 1 चम्मच साइड साइड में तेल डालेंगे जिससे हमारा डोसा निकलने में आसानी रहेगी। कलर चेंज होने तक हम वेट करेंगे और फिर अपना डोसा पलटेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे डोसे का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, पर अभी हमारा डोसा पूरी तरह से सिका नहीं है तो हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब हमारा डोसा अच्छे से टिक गया है और आसानी से निकल भी रहा है। तो अब इसे हम रोल कर लेंगे और एक प्लेट में निकालेंगे। देखिए आसानी से हमारा डोसा निकल गया। अब हम एक प्लेट में रखेंगे, इसे प्लेट लेंगे उस पर रख देंगे और इसी प्रकार से हम दूसरा डोसा बनाएंगे। थोड़ा पानी का छींटा मारेंगे क्योंकि तवा हमारा ज़्यादा गर्म है, तो पानी का छींटा मार के टिश्यू पेपर से साफ करेंगे और 1 चम्मच बेटर फिर डालेंगे और इसे फिर पहले की तरह ही गोल गोल घुमाते हुए बिल्कुल पतला घोल फैलाएंगे ताकि हमारा डोसा बिल्कुल पतला बने। तो हम इसे फैला देंगे अच्छे से और फिर 1 चम्मच तेल डालेंगे साइड साइड में ताकि हमारा डोसा आसानी से निकल जाए और 2-3 मिनट तक वेट करेंगे। देखिए हमारा डोसा आसानी से निकल रहा है क्योंकि हमारे डोसे में खमीर अच्छे से बैटर में उड़ गई थी, इसलिए हमारा डोसा आसानी से और जल्दी बन रहा है फटाफट। चावल और दाल के घोल में हमने 1 चम्मच नमक भी डाला था जिससे स्वाद बढ़ जाता है। और फिर से पानी का छींटा मारेंगे ताकि तवा ठंडा हो जाए, उसे साफ करेंगे और 1 चम्मच बेटर फिर से डालेंगे और उसे पहले की तरह गोल गोल घुमाते हुए फैलाएंगे, अच्छे से फैला देंगे, बिल्कुल पतला फैलाएंगे। जितना पतला फैलाएंगे उतना ही हमारा क्रिस्प और अच्छा डोसा बन के तैयार होगा। पेपर डोसा बिल्कुल पतला होता है, तो वह देख रहे हैं हम बिल्कुल पतला डोसा बना रहे हैं। 1 चम्मच तेल डालेंगे साइड साइड में और डोसा हमारा सिक के तैयार है। देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बनने वाली डिश है, फटाफट बन जाती है, बिल्कुल रेडी है। इसे प्लेट में निकालेंगे, इसी प्रकार से अपने सारे डोसों को सेक लेंगे और नारियल की चटनी के साथ इसे सर्व करेंगे। अगर आपको नारियल और सांभर की चटनी देखनी है तो हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने पहले से डाल रखा है। तो आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम या कुछ गलती दिख रही है तो हमें बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तो आप सांभर और नारियल की चटनी हमारी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं।
तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।